अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज ईद मिलादुन्नबी का मौका है और आज हम बनाने वाले हैं मोटी सेवैयाँ स्वीट में, ताकि हम लोगों को जो है वो तकसीम कर सकें। तो ये देखें, दूध हमने उबाला है, दो अल्पर के पैक हमने लिए हैं और ये हमने इसके अंदर जो है वो डाल दिए। इसके अंदर हम तीन इलायचियाँ डाली हैं हमने खुशबू के लिए, ठीक है। स्वीट में इलायची जो होती है वो बहुत मज़े की लगती है। ये देखिए, हमने मिल्क पैक का एक डब्बा डाल दिया था, ये हमने दूसरा भी इसके अंदर खाली कर लिया है पतीली के अंदर, ठीक है। बहुत ही मज़ेदार सेवैयाँ बनने वाली हैं, ठीक है। आसान रेसिपी के साथ आप बनाएं और इसको जो है वो बांटें अपने मोहल्ले में, नेबर्स में, फ्रेंड्स में, और दुआ मांगें अपने अजीज़ों कारब के लिए और जो लोग फोत हो चुके हैं उनके लिए भी, और अपने हज़रत मोहम्मद सल्लम के सदक़े में उनके आल औलाद के लिए भी दुआ मांगें, ठीक है। तो ये देखिए, अब इसके अंदर हमने ये जो सेवैयाँ उबली हुई थी बॉयल करके रखी थी हमने, और ये हमने इसके अंदर ऐड कर लिए हैं, ठीक है। अब इसको हम पकाएंगे दूध के अंदर, ठीक है। दूध के अंदर हम बस इसको थोड़ी देर पर पकाना है, 5 मिनट्स के लिए आप इसको पकाएंगे और ये झटपट रेडी हो जाएंगी और आप जो है वो इंजॉय करेंगे, करें इसको, ठीक है। तो आपको पता है कि ईद मिलादुन्नबी के मौके पर सभी लोग जो है वो अपने घरों में दुआ मांगते हैं, हम भी मांग रहे हैं। ये हमने इसके अंदर चीनी ऐड कर रहे हैं, ये देखें 2 बड़े चमचे भर भर के हमने इसमें इसके अंदर चीनी के ऐड किए हैं, ठीक है। और भी ऐड कर रहे हैं, ठीक है। आप इसमें तकरीबन जो है वो ज़्यादा मीठा खाने वाले हैं वो आधा कप चीनी ऐड कर लें, और जो कम खाने वाले हैं वो थोड़ी कम ऐड कर लें। शुगर का भी प्रॉब्लम होता है लोगों को, तो आप अपने हिसाब से जितनी आप खाते हैं उतनी आप ऐड करें, ठीक है। ये हमने इसको ढक दिया ताकि इसको थोड़ा सा उबाल आ जाए, ठीक है। ये बॉयल कर लेंगे अच्छी तरह, पक गई हैं, रेडी हो गई हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।